हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? मैं हूँ अलीजा और आप देख रहे हैं अलीजा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपकी अलीजा आपके लिए बहुत ही खास रेमेडी लेके आई है फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल शादियों का सीजन है और जो लड़कियां हैं वो शादियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। खास तौर पे अपने फेस को लेके वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि वो चाहती हैं कि उनका जो फेस है वो बहुत ही ग्लो करे, ब्राइट हो, गोरा हो। तो आप ये जो है वो पार्लर्स का, यानी कि पार्लर पे जाती हैं, सैलून का रुख करती हैं, जिनके जो पैसे हैं लगते हैं वेस्ट होते हैं। क्योंकि इसलिए अगर आप अपनी फेशियल करवाएंगे, स्किन पॉलिश करवाते हैं, जिससे आपकी जो स्किन है वो इंस्टेंट ग्लो तो देती है, लेकिन बाद में आपकी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है और आपकी स्किन पे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको बहुत ही नेचुरल जो है वो तरीका बना के दिखाऊंगी, जिससे आपकी स्किन जो है वो इंस्टेंट ग्लो भी देगी और बाद में भी परमानेंट जो है वो आपको ग्लो मिलेगा। आपकी जो स्किन है वो ब्राइट और लाइट रहेगी। तो इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं उससे पहले। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चले करते हैं स्टार्ट इस रेमेडी को। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए क्लीन बाउल। फ्रेंड्स, पहली जो चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है वो है फेयर लवली। फेयर लवली जो है वो हर घर में मौजूद होती है। ये बहुत ही इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन को लाइटन करती है, ब्राइटन करती है, और ये अर्जेंट जो है वो फेशियल का भी काम करेगी, जिससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ग्लो देगी। इसे आप जब लगाएंगे तो आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतनी आपकी जो स्किन है वो ब्राइट होगी। तो इसका हमने 1 टेबल स्पून इसका जो है वो लेना है। फ्रेंड्स, दूसरी जो चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है वो है लेमन। लेमन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है, जो हमारे स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करता है। ये हमने हाफ जो है इसका जूस निकाला है। फ्रेंड्स, अब इस दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, मिक्स करते ही जो है वो एक फट गया, जैसे दूध फट जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत ही अच्छा जो है वो एक अर्जेंट जो फेशियल तैयार हो गया है, जो आप शादी से जाने के से पहले 10 मिनट आप इसे अप्लाई कीजिएगा तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ही गोरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसे मिक्स करने के बाद आप जानते हैं, जब दूध फट जाता है तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। सेम वैसे ही इस क्रीम के भी ऊपर पार्टिकल्स आ गए हैं। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये बहुत ही अच्छी जो है वो क्रीम रेडी हो गई है। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आपने इसे अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने अपनी फिंगर्स को डिप करना है इसके अंदर। आपने अपने पूरे फेस पे इस तरह अप्लाई करना है, जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, सेम वैसे। फ्रेंड्स, आपने शादी से जाने से पहले सिर्फ 20 मिनट इसे अप्लाई करना है। आप पार्लर में जाते हैं तो आप अपना कितना टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने के साथ साथ आप अपने पैसे भी जो हैं वो वेस्ट करते हैं। तो आपने इसे 20 मिनट तक लगाना है। लगाने के बाद आपने इसे ठंडे पानी से वॉश करना है। फ्रेंड्स, वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी जो स्किन है वो कितनी निखर आई है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप मेरे इस हैंड में और इस हैंड में डिफरेंस देख सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं तो आप मेरी जो वीडियो है इसको रिव्यू भी करके देख सकते हैं। तो ये मैंने अब कुछ 1-2 मिनट के लिए लगाया, आप इसे 20 मिनट का पूरा टाइम लीजिएगा। आपकी जो स्किन है वो अर्जेंट जो है वो ब्राइट लुक देगी। जब शादी से पहले 20 मिनट तक लगाने के बाद आपका जो फेस है वो बहुत ही चांद की तरह निखरा हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक अलीजा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।